घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन बस कुछ ही देर में होने जा रहा है। ये मऊ जिले का कोपा क्षेत्र है और विधानसभा घोसी है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं समाजवादियों की एक फौज, एक भीड़ यहां उमड़ पड़ी है अपने नेता अखिलेश यादव के स्वागत में, अभिनंदन में। इन दिनों देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नज़र आ रही है। इस चिलचिलाती धूप में आज देखा जा रहा है कि यहाँ पे तमाम लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े कदावर नेता भी यहाँ मौजूद हैं। मंच सामने लगा हुआ है, उस मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कई मिनिस्टर भी हैं। आजमगढ़, मऊ, पूर्वांचल का कोई ऐसा जनपद नहीं होगा और जिस जनपद से समाजवादी पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेता उस मंच पर मौजूद नहीं है। बात हो रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने की। सुधाकर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए आज समाजवादी पार्टी का ये जो जनसभा, चुनावी जनसभा है, जिन जनसभा में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे और अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज उनकी सभा हो रही है, जिस सभा में समाजवादी पार्टी की एक अपार, एक भीड़ यहाँ मौजूद है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, एक वक्त था, एक पहले की बात करें, जब 2022 में जब फाइनल चुनाव था, मार्च का महीना था, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे, बस तस्वीर चेंज था। उस वक्त यही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान उस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और उनके समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके दल से थे, उनके पार्टी से थे, इसलिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। लेकिन तस्वीर चेंज हो चुकी है, दृश्य चेंज हो चुका है। अब वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। यानी बात करें, जो राजनीतिक चर्चा है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, तो जो अखिलेश यादव दारा सिंह चौहान के समर्थन में कभी चुनावी जनसभा इसी विधानसभा क्षेत्र में करते थे, अब दारा सिंह चौहान के खिलाफ, यानी दारा सिंह चौहान को पराजित करने के लिए अब अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जिताने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह से ही भीड़ देखा जा रहा है और बात करते हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे। कहाँ से आए? हम गाजीपुर से आए, गाजीपुर से। आपके नेता आ रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने नेता से? हम अपने नेता से वही चाह रहे हैं कि यहाँ एक जो धोखेबाज, जो समाज को ठगता है, कभी भाजपा में जाता है, कभी बसपा में जाता है, चोला बदलता है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर आता है, मंत्री पद के लालच में घोसी को जनता को ठग कर गया है, उसको करारा जवाब देने के लिए। पिछले बार आपने वोट किया था? हमने पिछली बार उनको वोट किया था, लेकिन ये क्या पता था, घोसी की जनता ने विश्वास करके उसको वोट किया था। वो अपने विकास के बगल की सीट से वो विधायक होता है, वहाँ का विकास लेकर भागता है और घोसी में आता है, सुधाकर सिंह का टिकट कटता है और यहाँ से घोसी की जनता उसको प्यार दुलार देती है, घोसी की जनता को वो धोखा देके जाता है। आपका कहना ये है कि एक दारा सिंह चौहान को जब वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे तो उस समय चुनाव जिताने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता उनको जिता के भेजे, लेकिन वह समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, इनको इस बात का दुख है। ब्याज जी गोड़ भी हैं और भी तमाम लोग हैं। ब्याज जी गोड़, क्या हालचाल है? हालचाल ठीक है, यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। ठीक, समाजवादी पार्टी। हाँ, एक सेकंड सर। सर ऐसा है कि दोस्तों, बिल्कुल जी, सवाल ये है कि अब जिन दल को, जिन पार्टी को अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने के लिए आ रहे हैं, दोस्तों हम फिर आपसे जुड़ेंगे। देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव का वेलकम और स्वागत हो रहा है, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक इतना ही, जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।